तो मैं अंकलेश्वर गया था इनके गांव, तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब हेमंत भाई साहब न रहे, आप कांग्रेस में आ जाइए। मैं कहूँ आई मे थिंक, तब मैंने पब्लिकली कहा था कि अगर मैडम गांधी और राहुल गांधी जब बात करेंगे तो मैं सोच सकता हूँ क्या करना क्या नहीं। लेकिन तब से आज तक कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई। हमारे गुजरात कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो दे आर इंसिस्टिंग कि आप कांग्रेस में आओ। मेरा इतना कहना है कि राहुल जी या सोनिया गांधी जी जो भी है दिल्ली के पार्टी के मालिक, अगर इनसे बातचीत नहीं होगी तो मैं आकर क्या करूँगा। इसलिए मे नॉट, ऐसा एक साल से चल रहा है, मतलब कभी भी ये होगा नहीं भी होगा, ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गाड़ी आगे बढ़ेगी ठीक है, आगे न बढ़ेगी तो भी ठीक है। और बेसिकली आई एम एंटी बीजेपी, आई स्टार्टेड कैंपेन फॉर कांग्रेस पार्टी सिंस लास्ट वन मंथ एंड सो आई अपील पब्लिक ऑफ गुजरात, प्लीज़ मेहरबानी करके पोलराइज करिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए, वोटों का डिवीज़न न हो इसलिए कांग्रेस को वोट दीजिए। और इसलिए मैं पब्लिकली कहता हूँ कि आई नो बीजेपी वेरी वेल, आई नो कांग्रेस टू। मैं दोनों पार्टियों की अंदरूनी लीडरशिप और अंदर कार्यकर्ताओं का स्पिरिट और आइडियोलॉजी जो भी आप कहते हैं मैं जानता हूँ बेसिकली। और पब्लिकली मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करके 25-27 साल की बीजेपी गुजरात में जो लगी है इसमें प्रजा का अहित हुआ है, और इन्होंने अगर काम किया ही होता तो क्यों चक्कर काटना है पीएम को, एचएम को, दुनिया भर के बीजेपी के लोग क्या आया रखना है। 25 साल आपकी सेवा है, आपका काम बोलता है, तो मेहरबानी करके आप तो पब्लिक आपको घर जाकर सामने से वोट देगी। हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं करना पड़ेगा, इनको तो सिवा पाकिस्तान इंडिया राष्ट्रवाद के अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब गुजरात की प्रजा तो खत्म हो गई मेघवारी में, बेरोजगारी में, करप्शन में। आज गुजरात तो बिल्कुल 3.5-3.75 लाख करोड़ के कर्जे में है। हर गुजराती 40,000 करोड़ का बच्चा जन्मता है ना, वो इतना कर्ज लेकर जन्मता है। और गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, करप्शन तो दुनिया भर का, देर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल। और गवर्नमेंट जो है वो होगी भी कैसे, वहीवट यहाँ से चलता ही नहीं है। पूरी कैबिनेट जो निकाल दी वो चोर थी, तो आप ही चोर थे, मतलब अगर वो थे तो वो भी बीजेपी के थे ना। इनको निकालने से इनका पाप नहीं ढकेगा, नई सरकार बनेगी वो तो टाइम पास वाली ऐसे ही बना दी मजाक के हिसाब से। पूरा वहीवट दिल्ली के वहाँ से होता है, तो यहाँ गाड़ी चलना ही नहीं है, यहाँ एक भी काम पब्लिक का होता नहीं है सिवा करप्शन करप्शन करप्शन। और मैं समझता हूँ लोग बहुत दुखी है, और बीजेपी का ग्राफ काफ़ी डाउन है।